नमस्कार, स्वागत आप सभी का बाजारों की चाल के अंदर। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाठी और आप सभी को और मार्केट टाइम्स टीवी की तरफ से आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। चर्चा होने जा रही है यहां पे एक बार फिर से कम्युनिटी बाजार के बारे में। जानेंगे कि शाम के कारोबारी सत्र में कृषि फसलों का वायदा बाजार आज धनतेरस के शुभ मौके पर कैसा कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, वो कौन सी कम्युनिटीज होंगी जिनके अंदर आने वाले समय में भी अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है और जो कम्युनिटीज अगले साल तक भी आपको अच्छा बेहतरीन मुनाफा दिलाती हुई नजर आ सकती हैं, उन सब की चर्चा करेंगे इस अपनी खास पेशकश के अंदर। सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं हम यहाँ पे कैसर सीड से। तो कैसर सीड का नवंबर वायदा इस वक्त 6528 पर कारोबार कर रहा है और 6592 का ही लगा चुका है, हल्की सी करेक्शन है। हम देख रहे हैं कि कैसर सीड का जो वायदा बाजार है वो 6500 पर आके एक बार फिर से रुक गया है, लेकिन 6600 के ऊपर भी कारोबार करता हुआ नजर आया था। कुछ ट्रेडिंग सेशंस तक हमने कैसर सीड की कीमतों में 6600 के ऊपर के भी लेवल्स आते हुए देखे हैं और अब जानकारों का यही मानना है कि कैसर सीड एक बार फिर से तेजी दिखला सकता है। कैसर सीड की कीमतों में एक अच्छी खासी तेजी बनती हुई एक बार फिर से नजर आ सकती है, जो कैसर सीड की कीमतों को 6800 के लेवल दिखला सकती है, क्योंकि 6600 का हम ऑलरेडी देख चुके हैं तो नेक्स्ट लेवल 6700-6800 के रहेंगे और अगर उसके भी ऊपर कीमतें निकलती हैं तो 7050 तक का भी टारगेट कैसर सीड के अंदर देखने को भी मिल सकता है। अभी ओवरऑल कैसर सीड के जो फंडामेंटल्स हैं मजबूत हैं, लेकिन अभी कुछ कैसर सीड में जो एक कंसोलिडेशन देखने को मिला है और अभी भी देखने को मिल रहा है पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से, लेकिन ओवरऑल रुझान कैसर में तेजी का ही है। उठापटक का माहौल कुछ ट्रेडिंग सेशंस तक जारी रहेगा, लेकिन उसके बाद कैसर में फिर से एक अच्छी तेजी देखने को मिल पाएगी। बात करें यहाँ से अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल का दिसंबर वायदा देख रहे हैं 2595 पर कारोबार कर रहा है, 2629 का हाई लगा चुका है, 1.25% की करेक्शन है। हम देख रहे हैं कि बिनौला खल की कीमतों में एक ऊपरी स्तर से एक बार फिर से एक मुनाफा वसूली बनती हुई नजर आई है। दरअसल बिनौला खल में हमने एक सीमित दायरे में कारोबार देखा था पहले, 2300-2400 ऐसी लेवल में हमने एक सीमित दायरे में कारोबार देखा था। उसके बाद कीमतें फिर थोड़ी बढ़ी और फिर वहाँ पर एक सीमित दायरे में कारोबार दर्ज किया जा रहा है। दरअसल बिनौला खल में एक बड़े से सीमित दायरे में कारोबार देखने को मिलता रहेगा, जो नीचे में 2300 से लेकर ऊपर में 2700-2800 तक का होगा। तो धीरे धीरे करके कीमतें बढ़ेंगी ज़रूर, लेकिन कीमतें एक सीमित दायरे में ही रहेंगी। हो सकता है कि जानकार ऐसा बता रहे हैं कि अगले साल तक आते आते बिनौला खल में एक अच्छी तेजी बन जाए। और अभी बात करेंगे हाल फिलहाल की, तो हाल फिलहाल में 2700-2800 का लेवल रहेगा 2 से 2.5 हफ्तों के लिए। बिनौला खल में 2700 से लेकर 2800 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं और अगर कीमतें उसके ऊपर निकलती हैं लंबी अवधि में, जैसे कि मैंने अभी बताया, तो ऊपर कीमतें ऊपर में 3000 के भी पार जाती हुई नज़र आ सकती हैं, तो बिनौला खल में लंबी अवधि में एक बार फिर से तेजी देखने को मिल सकती है, लेकिन उसके लिए अभी थोड़ा वेट करना होगा। बात करें यहाँ से अगर मसालों की, तो मसालों में देख रहे हैं धनिया का नवंबर वायदा 8090 पर है, 0.5% की करेक्शन है। और बात करें जीरे की, तो जीरे का नवंबर वायदा 15190 पर हल्की सी बढ़त के साथ और टर्मेरिक का नवंबर वायदा 7456 पर है और 7496 का ही लगा चुका है 1% की तेजी के साथ। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मसालों का वायदा बाजार एक बार फिर से ठीक ठाक कारोबार करता हुआ नज़र आ रहा है और जो जानकार है वो भी यही बता रहे हैं कि मसालों में अगले साल तक हो सकता है कि और अच्छी तेज़ी बनती हुई नज़र आ जाए, क्योंकि हमने पेंडेमिक के अंदर मसालों की जो अवेलेबिलिटी थी ठीक ठाक देखने मिलती, हल्दी की थोड़ी कम थी क्योंकि फसलें ख़राब हुई थी और दूसरा फसलें ख़राब होने की वजह से प्रोडक्शन भी कम रहा था और पेंडेमिक में सबको अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करनी थी, इसकी वजह से हल्दी का जो कंजप्शन था पेंडेमिक के दौरान लॉकडाउन के दौरान वो उस ड्यूरेशन में बढ़ा है और जिसकी वजह से अब मसालों की जो खपत है वो बढ़ती हुई नज़र आई है। दूसरा, इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर भी इंडियन स्पाइसेस की जो डिमांड है वो भी ठीक ठाक आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है और जो घरेलू स्तर पर भी जो डिमांड रहेगी वो भी ठीक ठाक ही रहेगी। तो जानकारों के मुताबिक जीरा, धनिया और हल्दी तीनों में ही आने वाले नए साल में अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है, क्योंकि हमने देखा है कि जब भी पेंडेमिक होता है तब भी कम्युनिटी के जो प्राइसेस होते हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं, चाहे स्पाइसेस हो, चाहे एडिबल ऑयल हो, चाहे कोई सी भी कम्युनिटी क्यों ना हो, उसके जो प्राइसेस हैं पेंडेमिक के दौरान ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जो कि पेंडेमिक के बाद भी जारी रहते हैं। पेंडेमिक के बाद जब अनलॉक की प्रक्रिया होती है तब थोड़ा थोड़ा करके जो प्राइसेस हैं वो थोड़े कूल डाउन होते हैं, हल्की सी नरमी आती है, लेकिन प्राइसेस एकदम से कम नहीं होते हैं, प्राइसेस थोड़े बहुत ही नरमी देखने को मिलती है उनके अंदर और बाकी तेजी ही दिखाते हैं। तो ओवरऑल रुझान मसालों में भी तेजी का ही रहेगा।
बात करें यहाँ से अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो ग्वार गम का नवंबर वायदा देख रहे हैं 12,350 पर है, 12,910 का हाई लगा चुका है, 3.5% का लोअर सर्किट है आज। और ग्वार सीड का नवंबर वायदा 6,770 पर है, 6,950 का हाई लगा चुका है, 2% का लोअर सर्किट। हम देख रहे हैं कि कल की तरह आज भी शाम के कारोबारी सत्र में ग्वार कॉम्प्लेक्स के अंदर एक करेक्शन के साथ कारोबार दर्ज किया जा रहा है, लेकिन जो निचले स्तर देखने को मिल रहे हैं ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है ग्वार में खरीदारी करके चलने की। जानकार बता रहे हैं कि ग्वार की जो फंडामेंटल्स हैं मजबूत हैं, ग्वार में अभी और तेज़ी देखने को मिलती रहेगी, 14,000 के भी तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, और अगर उसके भी पार कीमतें जाती हैं तो 15,000 तक भी ग्वार की कीमतों में अच्छे लेवल ग्वार की कीमतें देखने को मिल सकती हैं 15,000 तक भी। तो लंबी अवधि का टारगेट रहेगा ये 15,000, लेकिन उससे पहले अभी जो निचला स्तर देखने को मिल रहा है तो वहाँ पर निचले स्तर पर खरीदारी करके भी चला जा सकता है। निचले स्तर को जानकार एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी ट्रीट कर रहे हैं अभी ग्वार की कीमतों के लिए। तो ओवरऑल रुझान जानकार अभी जो एक्सपर्ट्स हैं ग्वार के वो अभी तेजी का ही बता रहे हैं। बात करें यहाँ से अगर मसाला एडिबल ऑयल पैक की, तो देख रहे हैं सोयाबीन का नवंबर वायदा 5,500 पर कारोबार कर रहा है, 5,542 का हाई लगा चुका है। हम देख रहे हैं कि सोयाबीन की जो कीमतें हैं ठीक ठाक लेवल्स पर कारोबार करती हुई नज़र आ रही हैं। दरअसल सोयाबीन को हमने नीचे में 5,100 तक भी जाते हुए देखा है, 5,000 के नीचे नहीं जा पाई थी लेकिन 5,100 तक भी हमने जाते हुए देखा है सोयाबीन की कीमतों को वायदा बाज़ार के अंदर। दरअसल सरकार के जो फैसले आए हैं, सरकार ने जो कदम उठाए हैं खाद्य तेल की कीमतों को कम करने के लिए, उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए, उसकी वजह से सोयाबीन की कीमतों में एक नरमी देखने को मिल रही है। और दूसरा अब हम देख रहे हैं कि सोयाबीन में एक शॉर्ट कवरिंग मूव बनता हुआ नज़र आ रहा है। दरअसल इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस अप होने के कारण, डिमांड बढ़ने के कारण और दूसरा फसलें खराब होने के कारण सरकार के जो उठाए गए कदमों हैं सोयाबीन के लिए या फिर अन्य तेल तिलहन के लिए, वो अब कहीं ना कहीं बेअसर होते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि जब फसल ही कम है और ख़राब हो गई है और होल्ड कर ली गई है, जिस पर सिर्फ और सिर्फ मालिक का ही हक रहेगा, वो भी सिर्फ किसान ही हैं और उन्होंने भी अपनी फसल को होल्ड कर लिया है, तो अब इस पर कहीं ना कहीं जो प्रयास हैं, जो कदम उठाए गए हैं, वो भी कहीं ना कहीं विफल होते हुए नज़र आ सकते हैं। और हम देख भी रहे हैं कि थोड़े बहुत आ भी रहे हैं। हालांकि आज कल के दिन सोमवार के दिन जो सॉयल एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया है सी है, उसने थोक कीमतों को कम करने का फैसला लिया है, 3 से 5 रुपये की कमी लाने का फैसला किया है, जिसकी वजह से खाद्य तेलों की कीमतों में हल्की फुल्की नरमी बनती हुई नज़र आ सकती है। दिवाली के दौरान त्योहारी सीजन में उपभोक्ता को राहत पहुंचाने के लिए सी ने ये फैसला लिया है। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि सोयाबीन की जो फसलें हैं वो भी काफ़ी कम है, जो कि किसानों ने अब होल्ड करनी शुरू कर दी है। जिन किसानों को नकदी की ज़्यादा ज़रूरत थी, जिनकी मजबूरी थी, सिर्फ उन्हीं किसानों ने अपनी सोयाबीन बेची है। जो सक्षम किसान हैं, जो होल्ड कर सकते हैं, उन्होंने अपनी सोयाबीन होल्ड कर ली है। और ज़्यादातर किसानों का यही कहना है कि फरवरी, मार्च, अप्रैल, इससे पहले अब अपनी सोयाबीन नहीं बेचने वाले, क्योंकि उनको जो जितना नुकसान उठाना था अब वे उतना नुकसान उठा चुके हैं। उनका ये भी कहना है कि सरकार सिर्फ और सिर्फ किसानों की आय ही देखती है, सिर्फ उनकी दाम कम करने के चक्कर में लगी रहती है, क्योंकि असल में बीच में जिनकी वजह से दाम बढ़ते हैं वो होते हैं स्टॉकिस्ट, जो जमाखोरी करते हैं, ब्लैक मार्केटिंग करते हैं। असलियत में दाम जो बढ़ते हैं उनकी वजह से बढ़ते हैं, लेकिन सरकार जो भी फैसला लेती है उसका असर उन पे ना होके किसानों पर पड़ जाता है, क्योंकि किसानों को बीज खरीद कर फसल उगानी पड़ती है, उस पर खाद का खर्चा, और अब पेट्रोल डीजल की भी कीमतें जिस हिसाब से लगातार बढ़ती जा रही हैं, किसानों को वो भी महंगाई झेलनी पड़ती है। तो किसान तो हर महंगाई झेल लेता है और हर महंगाई झेलने के बाद अपनी फसल उगा देता है, और कभी कभार क्या ज़्यादातर ऐसा ही देखने को मिलता है कि किसानों की फसल पर मौसम की मार देखने को मिलती है, जैसे कि वर्तमान में सोयाबीन किसानों के साथ होता है और पिछले कुछ सालों से सोयाबीन किसानों के साथ ऐसा ही होता हुआ है। मौसम सोयाबीन किसानों के साथ एक खेल सा ही खेल रहा है, लगातार उनकी फसलें बर्बाद ही होती आ रही हैं। तो जो सरकार फैसला लेती है उसकी वजह से किसानों को तो नुकसान हो जाता है, लेकिन उसके सरकार के फैसले के बावजूद जो जमाखोरी है, जो स्टॉकिस्ट हैं, उनको तब भी मुनाफा होता रहता है। किसान ये नहीं कह रहे कि कोई मुनाफा ना कमाए, किसान ये कह रहे हैं कि उनके जब कीमतों के दाम, उनकी फसलों के दाम जब कम हो जाते हैं तो सरकार के फैसले का असर उपभोक्ताओं पर क्यों नहीं पड़ता, उपभोक्ताओं को क्यों तब भी महंगे दामों पर अपनी चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं। अगर सरकार का कोई फैसला आता है तो उसका असर सिर्फ और सिर्फ किसानों पर ही क्यों होता है? अगर सरकार के फैसले का असर वाकई में दिखना चाहिए तो उपभोक्ताओं पर दिखना चाहिए, क्योंकि एंड यूज़र उपभोक्ता है,
अंत में जो इस्तेमाल चीज़ों का करता है वो उपभोक्ता है, कंज्यूमर है। तो कंज्यूमर कोई जब ज़्यादा दाम में खरीदना पड़ रहा है तो इसका फ़ायदा हुआ किसे? किसानों का एक सवाल सरकार से ये उठता है। और दूसरा ये कि जिस हिसाब से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उसका भी अहम योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है महंगाई दर को बढ़ाने का, जिसकी वजह से किसानों की जो लागत है वो भी लगातार बढ़ती ही जा रही है। अगर पेट्रोल डीजल की जो दाम है वो कम होए तो लागत थोड़ी कम आएगी, आने ट्रांसपोर्टेशन में कीमतें कम होंगी, डीजल की कीमतें कम होती हैं तो किसानों की भी लागत कहीं ना कहीं कम ही होगी। और दूसरा, सरकार को अब ऐसा मसौदा तैयार करना चाहिए, ऐसी रणनीति अपनानी चाहिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे सरकार आलू और प्याज का अपना बफर स्टॉक बनाती है, सरकार ने हाल ही में अपना प्याज का बफर स्टॉक बनाया, तो ऐसे ही सरकार तेल तिलहन की फसलों का भी अपना बफर स्टॉक बना सकती है। जब भी कोई कमी आती है और या फिर आयात करने की नौबत आती है तब सरकार अपना वो बफर स्टॉक जारी कर सकती है, किसानों को बीज मुहैया करा सकती है, चाहे ठीक ठाक प्राइसेस पे कराए, लेकिन अगर वो चीज़ डोमेस्टिकली अगर घर के घर में ही मिल जाएगी तो ना आयात की नौबत आएगी और ना ही किसी का नुकसान होगा। तो ऐसे ही करके जो प्राइसेस हैं वो भी काबू में रहे जा सकते हैं और दूसरा आयात से भी बचा जा सकता है, जिसकी वजह से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा जा सकता है। क्योंकि अगर किसानों को ऐसे ही नुकसान उठाना पड़ता रहा सोयाबीन में तो किसान अगली बार सोयाबीन उगाना ही छोड़ देगा, जिसकी वजह से जो भारत है आत्मनिर्भरता की ओर जो कदम उठा रहा है वो भी कहीं ना कहीं पीछे हटते हुए नज़र आएंगे। तो अगर किसानों को MSP नहीं मिलेगी, दाम अच्छा नहीं मिलेगा, तो किसान भला उसकी फसल क्यों ही उगाएगा? तो सरकार को भी इस बात पर विचार करने की ज़रूरत है और अपने घरेलू स्तर पर ही ज़्यादा से ज़्यादा इस पर विचार करने की और कदम उठाने की, कुछ ऐसे कदम उठाने की जिससे किसानों को भी फ़ायदा हो सके और एंड यूज़र को भी, और जो बीच में जो जमाखोर है, जो जमाखोरी करके तेजी लाते हैं, उन पर रोक लगाई जा सके, ऐसा मसौदा तैयार करने की आवश्यकता है। तो ये था एक छोटा सा कम्युनिटी बाज़ार का अपडेट। आशा करते हैं आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं वो हमारे YouTube चैनल मार्केट टाइम्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल बाजार की चाल में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।